Welcome to A Prayer for My Daughter by William Butler Yeats. कविता A Prayer for My Daughter, जिसके कवि William Butler Yeats में आपका स्वागत है. In this discussion, we shall see the third part of the summary. यहां पर हम summary का तीसरा भाग देखेंगे. In the previous two videos, we have seen summary part 1 and summary part 2. And in those two parts, we have seen that a girl child is born. She is lying innocently in the cradle. The poet is looking at her. He is the father. And when he looks at his daughter, he starts thinking. And out of the... In the outer atmosphere, there is a storm. And that storm, it drives him towards a direction where he starts thinking of the turbulent future that the daughter might have to face. इससे पहले के दो वीडियोस में हमने समरी का भाग एक और दो देखा है, जहां कवि अपनी नवजात पुत्री को पालने में सोए हुए देख रहा है. पुत्री कोमल है, मासूम है, अबोध है, दुनिया की सारी चिंताओं से बेखबर है. कवि उसको देखता है, बाहर तूफान आ रहा है. पुत्री की कोमलता और बाहर के तूफान से कवि अचानक से घबरा जाता है और वो सोचने लगता है कि इसे भविष्य में जो जीवन देखना पड़ेगा वो काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है. देन द पोएट प्रेज फॉर अ सॉल्यूशन. उसके बाद वो प्रार्थना करता है, चिंतन करता है कि मैं अपनी बेटी को इस समस्या से कैसे बचा सकता हूं. एंड ही कम्स टू अ पॉइंट वेयर ही स्टार्ट्स थिंकिंग दैट इफ शी डेवलप्स सम गुड ट्रेट्स, if she develops some virtues, they can save her from a lot of the disaster that might fall on her in future. कवि जब प्रेयर कर रहा होता है अपनी पुत्री के सफल भविष्य की, सुरक्षित भविष्य की, तो उसके मन में यह विचार आता है कि मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊं भविष्य में आने वाली परेशानियों से. और उसे लगता है कि यदि मैं अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दे दूं, अच्छे गुण दे दूं, गरिमा दे दूं, गौरव दे दूं, तो ये भविष्य में आने वाली बहुत सारी परेशानियों से बच सकती है. द ग्रेट थिंग अबाउट द पोएम इज दैट इट हैज अ स्पेसिफिक एज वेल एज अ जनरल एप्लीकेबिलिटी. नाउ दिस पोएम is very important because it is specific as well as general. On one hand, it is a poem written by W.B. Yeats for his daughter. यहां जो कविता हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी विशेषता यह है कि यह एक तरफ तो व्यक्तिनिष्ठ है कि यह केवल W.B. Yeats पिता के रूप में अपनी पुत्री एन के विषय में सोच रहे हैं, और यह इन दोनों के बीच का जो भाव है ये बिल्कुल खरी उतर रही है उस विषय में. बट इट हैज अ जनरल एप्लीकेबिलिटी, इट अप्लाइज टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड. यहां पर एक सामान्य तौर पर सार्वभौमिकता भी इसमें दिखाई देती है. जिस तरह से W.B. Yeats अपनी पुत्री के लिए चिंतित है, ठीक उसी तरह से हर एक मां बाप अपनी पुत्री के लिए चिंतित होता है और पुत्री संतान के लिए चिंतित होता है. और जब संतान पुत्री होती है तो वो चिंता थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि प्रेम भाव अधिक होता है पुत्री के लिए. एट द सेम टाइम द पोएम मेक्स एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू मॉड गॉन ऑल्सो होम हीट्स लव्ड सो मच एंड शी कुड नॉट विन हर हैंड इन मैरिज. नाउ एट द सेम टाइम द पोएम मेक्स एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू मॉड गॉन. सो हियर द पोएट ऑल्सो वीव्स अ कॉन्टेक्स्ट. यहां पर कवि ने एक संदर्भ भी देने की कोशिश की है, और वो संदर्भ क्या है, मॉड गॉन के विषय में जो उसका अनुभव रहा था. हु
ईट्स लव्ड सो मच एंड येट कुड नॉट विन हर हैंड इन मैरिज. डब्ल्यू बी ईट्स लव्ड मॉड गॉन हु वॉज अ ब्यूटिफुल लेडी. ही लव्ड हर वेरी मच बट ही कुड नॉट विन हर हैंड इन मैरिज. डब्ल्यू बी ईट्स ने पिछले वीडियो में ये कहा था कि सौंदर्य होता है तो युवतियां निर्णय गलत करना शुरू कर देती हैं. ये संदर्भ मॉड गॉन की तरफ था और क्योंकि मॉड गॉन सुंदर थी और उसने बहुत गलत चॉइसेस अपनी लाइफ में की थी, ठीक वैसा ही वो अपनी बेटी के लिए सोचता है कि ये गलती जो मॉड गॉन ने की थी वो मेरी पुत्री न करे, क्योंकि वो चाह करके भी मॉड गॉन को विवाह के लिए तैयार नहीं कर पाया था. द पोएट लुक्स within himself, he finds that there is possibility of existing hatred inside. Now, in the process of pondering over the various traits, he also ponders about himself and finds that there is an element of hatred, which is an underlying element in human nature. यहाँ पर नफरत की भावना की ओर कवि का ध्यान जाता है. उसे लगता है कि मनुष्य की प्रकृति ऐसी होती है कि उसे वितृष्णा होती है, उसे नफरत होती है, उसे किसी चीज से अलगाव की स्थिति हो जाती है. तो ही सेज ही थिंक्स दैट हेट्रेड किल्स इनोसेंस एंड विशेस दैट हिज डॉटर शुड नॉट हार्बर हेट्रेड. नाउ द थॉट ऑफ द पोएट गोज टुवर्ड्स दिस नेगेटिव ट्रेट विच शुड नॉट बी इन द डॉटर. ही is praying for his daughter, so he prays that she should not have the element of hatred. यहाँ कवि प्रार्थना कर रहा है, a prayer for my daughter कर रहा है, तो वो ये उसका ध्यान hatred घृणा की तरफ जाता है और घृणा नकारात्मक होती है, इसलिए वो कहता है कि मेरी पुत्री के अंदर घृणा का भाव नहीं आना चाहिए. क्यों? He thinks that hatred kills innocence. क्योंकि hatred innocence को kill कर देता है. Hatred घृणा कोमलता को समाप्त कर देती है, अबोध जो गुण है अबोधता का उसको समाप्त कर देती है. And wishes that his daughter should not harbor hatred. That is why he wishes that the daughter should not have the element of hatred in her behavior or in her make. इसीलिए वो चाहता है कि इसके अंदर घृणा का भाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए. It was because of this unwholesome bent of mind that Maud Gonne married a fool. Because the poet feels that Maud Gonne married an inappropriate man just because she had harbored hatred in her heart. Maud Gonne ke andar ghrina thi, vitrishna thi, अलगाववाद था, और इसी के कारण, इसी दुर्गुण के कारण उसका बेंट ऑफ माइंड, उसके दिमाग की बनावट अनहोलसम हो गई थी, विकृत हो गई थी, और इसीलिए उसने एक फूल से शादी कर ली, एक अनुपयुक्त व्यक्ति से शादी कर ली, एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जो उसके सौंदर्य और उसकी क्षमताओं, उसके गुणों के अनुकूल नहीं था. तो प्रतिकूल व्यक्ति से शादी करने का निर्णय इसीलिए लिया गया था क्योंकि मन में भाव गलत था, मन में भाव घृणा का था. सौंदर्य होते हुए भी जब घृणा होती है तो अनुपयुक्तता की ओर मस्तिष्क का जाना बहुत प्राकृतिक होता है. इसलिए सौंदर्य है तो घृणा भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, संतुलन होना चाहिए. द पोएट विशेज दैट हिज डॉटर शुड नॉट कल्टिवेट एन एजिटेटेड इंटेलेक्ट. नाउ ही सेज दैट द डॉटर शुड नॉट हैव एन एजिटेटेड इंटेलेक्ट. शी शुड बी इंटेलिजेंट, शी शुड बी इंटेलिजेंट, बट दैट इंटेलिजेंस शुड नॉट बी लेस्ड विद एजिटेशन. मेरी पुत्री में विवेक होना चाहिए, मेरी पुत्री के अंदर मौलिक सोच होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ एजिटेशन नहीं होना चाहिए या मानसिक हलचल नहीं होनी चाहिए या मन के अंदर ऐसे दुराचार नहीं होने चाहिए कि जिसके कारण उसका बहुत सक्षम मस्तिष्क भी
असक्षम हो जाए, क्योंकि अगर इंटेलेक्ट है और उसमें एजिटेशन है तो इंटेलेक्ट नेगेटिव हो जाता है, विवेक होता है, बुद्धि होती है, लेकिन यदि उसके अंदर किसी भी तरह का नेगेटिव नकारात्मक बिंदु आ जाता है तो वो एजिटेशन उसे नेगेटिव बना देता है, वो उसका विध्वंस कर देता है. ही थिंक्स दैट हिज डॉटर कैन बी इनोसेंट ओनली इफ शी इज फ्री फ्रॉम हेट्रेड एंड इंटेलेक्चुअल फैनेटिसिज्म. सो दीज टू थिंग्स शुड नॉट बी देयर इन माई डॉटर, देन शी विल बी इनोसेंट. एंड दीज टू थिंग्स आर हेट्रेड शुड नॉट बी देयर एंड इंटेलेक्चुअल फैनेटिसिज्म शुड नॉट बी देयर. इसलिए कवि ये प्रार्थना करता है कि मेरी पुत्री के अंदर दो चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, दो गुण नहीं होने चाहिए, ये दो लक्षण नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक है. पहला ये कि उसके अंदर घृणा का भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये कि उसके अंदर इंटेलेक्चुअल फैनेटिसिज्म नहीं होना चाहिए, उसके अंदर बौद्धिक कट्टरता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कट्टरता आपके माइंड की स्पेस को खत्म कर देती है, आपकी सोच का दायरा बहुत संकुचित कर देती है, और उस समय पर आप नहीं सोच पाते हैं कि जो परिवर्तन आ रहा है या जो अच्छाई है उसके उसकी तरफ आप बिल्कुल अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर देते हैं. तो जब शटर डाउन दिमाग से सोचते हैं, बंद दिमाग से सोचते हैं, तो आप सही चीज को नहीं सोच सकते हैं. ये कब होता है? जब इंटेलेक्चुअल फैनेटिसिज्म होता है, जब बौद्धिक कट्टरता होती है. इसलिए कवि की प्रार्थना है कि मेरी पुत्री के अंदर घृणा और बौद्धिक या विवेक की कट्टरता नहीं होनी चाहिए. द इनोसेंस इज सेल्फ डिलाइटिंग, सेल्फ अपीजिंग एंड सेल्फ एफ्राइटिंग, बिकॉज द इनोसेंस दैट अ पर्सन हैज नेचुरली इज सेल्फ डिलाइटिंग. सी, इफ यू आर इनोसेंट यू आर गुड एट हार्ट एंड यू आर हैप्पी एंड पीसफुल एट हार्ट. If you are innocent, you are self-appeasing. You know how to be satisfied. You know how to control or balance yourself. And self-affrighting. And nobody has to terrorize you because you draw your own boundary lines. So that is the reason why innocence is a very good virtue. जब आप अबोध होते हैं, कोमल होते हैं, तो आप स्वयं से संतुष्ट रहते हैं, स्वयं प्रसन्न रहते हैं. आपके ऊपर बाहर से कोई पाबंदी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है. आप स्वयं अपने लिए अपना एक दायरा बना लेते हैं, अपनी सीमा रेखा आप खींचते हैं. दूसरे को आपके लिए किसी भी तरह की सीमा रेखाएं खींचने की जरूरत नहीं है. आपके ऊपर बंधन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. The poet's last wish is that his daughter should marry a person of aristocratic family who may take her to a home where tradition and ceremony fill the atmosphere. His last wish is that his daughter should marry a person of aristocratic family. Now, in the initial part of this discussion, we had seen that this poem is specific as well as general. हमने इस चर्चा के आरंभ में देखा था, इस वीडियो के शुरू में देखा था कि ये जो चर्चा है या ये जो कविता है, ये व्यक्तिपरक भी है और इसमें सामान्यता भी है. सामान्य पर लागू होती है या सार्वभौमिक पे लागू होती है. उसका कारण ये है कि यहाँ पर ईच चाहते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में हो, एक राजसी परिवार में हो. ये डब्ल्यू बी ये अपनी पुत्री के लिए ही नहीं चाहता है, हर माता पिता, हर पिता ये चाहता है कि मेरी पुत्री का विवाह बहुत अच्छे घर में हो, राजाओं के यहाँ हो, बहुत बड़े घराने में हो, बहुत पैसे वाले के यहाँ हो. ये भाव हर माता पिता के मन में होता है. तो एक पिता के रूप में जिस तरह से डब्ल्यू बी इट्स अपनी पुत्री के लिए चाह रहा है, विश्व के हर एक पिता के मन में यही भाव होता है. Who may take her to a home where tradition and ceremony fill the atmosphere. And W.B. Yeats wishes that the husband should take my daughter to a home where there is tradition. Because tradition has roots. And roots make life decent and respectable. कवि चाहते हैं कि मेरी पुत्री का पति एक ऐसे घर में ब्याह के ले जाए उसे जहां पर परंपराएं हों, क्योंकि परंपराओं में जड़ होती है, और जहां जड़ें होती हैं वहां मजबूती होती है. इसलिए मेरी पुत्री को ऐसा वर मिले
जो उसे एक अच्छा घर दे, जहां परंपराएं हों, जहां रहने का ढंग नीति रीति के अनुसार हो. एंड सेरेमनी फिल द एटमोस्फियर, एंड देयर शुड बी सेरेमनी, एंड देयर शुड बी सेलिब्रेशन, देयर शुड बी डिलाइट इनसाइड द फैमिली. घर के अंदर रीति रिवाज हो, परंपराएं हो, खुशियां हो, आनंद प्रमोद हो, हर तरफ हर्षोल्लास हो, ऐसी प्रेयर वो अपनी पुत्री के लिए, उसके भविष्य के लिए करता है. इन द एंड द पोएम इज अ फादर्स प्रेयर फॉर हिज डॉटर्स फ्यूचर. नाउ इफ वी कंक्लूड द पोएम, वी फाइंड दैट द पोएम इज अ प्रेयर. Although it is given in the headline that it is a prayer for my daughter, but after reading the content, we clearly see that every sentiment, every thought that the poet puts in the in his poem is a prayer. हमने कविता के शीर्षक को देखा, a prayer for my daughter है, लेकिन जब पढ़ते हैं तो हर भाव में प्रार्थना ही प्रार्थना छुपी हुई है. उससे ये प्रार्थना है, ऐसा हम पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छे से इसको देख पाते हैं. He wishes for order and grace in a battered civilization. And the author wants that the civilization is a battered, shattered, devastated situation. यहां पर कवि ये देखता है कि सभ्यता, संस्कृति टूटी हुई है, बिखरी हुई है, छिन्न भिन्न है. ऐसी छिन्न भिन्न स्थिति में मेरी डॉटर को क्या मिले? ऑर्डर एंड ग्रेस, सुनियोजित गरिमापूर्ण जीवन मिले. ये सभ्यता, ये संस्कृति छिन्न भिन्न हो चुकी है, लेकिन मेरी पुत्री को सुव्यवस्थित, गरिमापूर्ण, संगठित जीवन मिले. बिहाइंड द प्रेयर ऑफ कोर्स आर इट्स बिटर मेमोरीज ऑफ मॉड गॉन हु हैज कम टू स्टैंड फॉर द ट्रेजेडी ऑफ हाउ ब्यूटी एंड ग्रेस कैन बी डिस्टॉर्टेड बाय पॉलिटिक्स, इंटेलेक्चुअल हेट्रेड एंड एरोगेंस. बिहाइंड द प्रेयर ऑफ कोर्स आर इट्स बिटर मेमोरीज ऑफ मॉड गॉन. ऑल्दो दिस इज अ प्रेयर फॉर द डॉटर, बट अलॉन्ग विद दैट प्रेयर we also find that each points out at the bitter experience he had and the bitter memories that Maud Gonne had left in his memory, in his mind, and those memories were who come to stand for the tragedy of how beauty and grace can be distorted. Beauty and grace can be distorted. आपके अंदर सौंदर्य है, गरिमा है, लेकिन इसकी विकृति भी हो सकती है. सौंदर्य और गरिमा मेंटेनेंस मांगती हैं, पोषण मांगती हैं. अगर इन्हें पोषित नहीं किया जाए तो इनके अंदर डिस्टॉर्शन आ जाता है. किससे? बाय पॉलिटिक्स, इंटेलेक्चुअल हेट्रेड एंड एरोगेंस. कुछ उस समय की जो के जो तत्व थे जिनके कारण मॉड गॉन जैसी सुंदर युवती आप दिमाग ऐसे बिल्कुल बौद्धिकता जिसकी विकृत हो गई थी, वो थी पॉलिटिक्स, राजनीति, इंटेलेक्चुअल हेट्रेड. बुद्धि थी लेकिन बौद्धिक विकृति आ गई थी. एंड एरोगेंस, हेट्रेड, घृणा, नफरत, इन सारी चीजों ने सौंदर्य को नष्ट कर दिया था, बुद्धि को, बौद्धिकता को, विवेक को नष्ट कर दिया था. यहां पर इस प्रेयर के साथ साथ डब्ल्यू बी यीट्स इस ओर भी संकेत करते हैं. टू सम अप द पोएम अ प्रेयर फॉर माई डॉटर पोर्ट्रेज द थीम ऑफ लव एंड एंग्जाइटी ऑफ अ फादर हु हैज बीन ब्लेस्ड विद अ डॉटर. इट ऑल्सो प्रेजेंट्स द पोएट्स होप्स फॉर हिज डॉटर एंड हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ हर बिकमिंग अ वेरी ब्यूटिफुल वुमेन ब्लेस्ड विद द एट्रीब्यूट ऑफ अ वर्चुअस सोल. टू सम अप द प्रेयर ऑफ for my daughter portrays the theme of love and anxiety of a father. It's true that the love and anxiety of a father are clearly marked in the poem.
ये बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, पहली बार पढ़ने से ही हमें समझ में आ जाता है कि एक पिता का पुत्री के लिए प्रेम, एक पिता का पुत्री के भविष्य के लिए चिंता, ये इस पोएम में है। Who has been blessed with a daughter, it also presents the poet's hopes for his daughter and his expectation of her becoming a very beautiful, blessed woman, blessed with the attributes of a virtuous soul. It also tells us that a father, a poet, prays that if I give virtues to my daughter, then I can definitely help my daughter grow into a virtuous soul. यहाँ प्रार्थना के साथ साथ ये भी बहुत स्पष्ट किया है W.B. Yeats ने कि यदि मैं अपनी पुत्री के लिए अच्छे गुण, अच्छी भावनाएं, अच्छे संस्कार मांगता हूं तो ये निश्चित रूप से एक virtuous soul बनेगी, ये एक अच्छी आत्मा में परिवर्तित होगी, अच्छे संस्कार मिलने पर ये अच्छी ही बनेगी और इसका भविष्य उज्जवल होगा, ऐसा W.B. Yeats ने भाव अपनी पोयम में दर्शाया है। The poem is so universal in its content that it conveys the sentiments of all the parents on the globe. Now the poem is so universal that it actually voices the sentiment of each and every parent on the globe. ये इतनी सार्वभौमिक भाव वाली कविता है कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी माता पिता हैं उन सब के भाव यही हैं जो W.B. Yeats के हैं, और हमें कहीं भी किसी भी तरह का विरोधाभास या किसी भी तरह के भावों का खंडन नहीं करना है क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है। बिकॉज ऑल पेरेंट्स विश फॉर द वेल बींग ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड डॉटर्स आर लव्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय पेरेंट्स ऑल ओवर द ग्लोब एंड मोर ओवर ऑल द पेरेंट्स दे ऑलवेज थिंक फॉर द बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रन। माता पिता पैदा होने के साथ ही साथ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की ही कल्पना करते हैं, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की ही चिंता करते हैं और उस उज्जवल भविष्य में आने वाली हर परेशानी, हर दुविधा से अपने बच्चे को बचाने की क्रिया उसी समय से पैदा शुरू हो जाती है जिस समय से बच्चा पैदा होता है। तो ये इस ब्रह्मांड का सत्य है, ईश्वर ने माता पिता को बनाया ही ऐसा है कि जैसे ही शिशु का आगमन होता है वैसे वैसे उसके भविष्य की चिंताएं उनके मन में घर कर जाती हैं और वो भविष्य जब आएगा तब आएगा, लेकिन इनकी प्रार्थनाएं उसके पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाती हैं। तो ये इतनी सार्वभौमिकता है इस कविता में कि W.B. Yeats की इस कविता को आप किसी भी पेरेंट पर लागू कर लीजिए, ये उस पर बिल्कुल खरी उतरेगी। And daughters are loved and protected by parents all over the globe. Another important thing in the poem is daughters are loved and protected by parents all over the globe. Every parent in this universe, every parent on the globe loves and makes efforts to protect his daughter. So this poem is a universal poem and the summary of the poem is concluded in this video. इसलिए ये एक सार्वभौमिक कविता है और यहां पर इस कविता की समरी समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।